नमस्कार, आज हम लोग मित्रों आईफैक्स गैलरी में है जो रफी मार्ग पे है। अभी जो त्रयम एग्जीबिशन लगी हुई है यहाँ पे तो 10 तारीख से 16 तारीख तक, उसमें हमारे पास दूसरे जो आर्टिस्ट हैं आशुतोष हैं, ये भी बनारस से बिलोंग करते हैं। तो हम आशुतोष से जानना चाहेंगे, थोड़ा सा कैमरा में वो देखेंगे और बोलेंगे कि कैसे उन्होंने आज वर्ल्ड में, उन्होंने बताया माध्यम ने डॉक्टर वर्षा ने कि आप लोग सब सहपाठी हैं, आर्ट वर्ल्ड में आपने कब एंटर करा? सर हम लोग जब कॉलेज कर रहे थे तो आपने भी फाइन आर्ट्स में कर रहे हैं? सर हम लोग फाइन आर्ट्स नहीं है, सब्जेक्ट हम लोग का चित्रकला। चित्रकला है जी। ओके जी। और मास्टर की गए मास्टर हाँ नहीं ठीक है, चित्रकला जो हाँ ठीक है फाइन। हाँ नहीं वो ठीक है फाइन। तो चित्रकला में जो आप लोग ने करा उसका कितना कोर्स रहता है, कितना पीरियड का कोर्स है? बैचलर जो होता है वो 3 साल का होता है, उसमें सब्जेक्ट होता है, 3 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से एक सब्जेक्ट हमने चित्रकला लिया था। अच्छा। उसमें मास्टर किया हमने, उसमें ओनली ये पेंटिंग से हमने मास्टर किया हुआ है। तो उस दौरान हम लोग थोड़ा वो था ना कि क्लास जाते करते हैं जाते हैं तो इंटरेस्ट भी कम था, लेकिन फिर धीरे धीरे कई साल गुजरते गए और फिर बिजनेस वगैरह हम करते थे तो करते करते उसमें मन के अंदर कहीं ना कहीं होता था कि आर्ट से कहीं भी कुछ भी दिखता था तो उसमें हमको आर्ट ही दिखता था, कला ही दिखता था। तो मन अंदर से हुआ कि नहीं मुझे पेंटिंग बनाना है। तो तभी कितनी पेंटिंग आपने बनाई पिछले वर्ष में 2019 में? मैंने 2019 में मैंने यही सब पेंटिंग बनाई है, करीब 30-35 पेंटिंग और हाँ बहुत ज्यादा पेंटिंग्स मैंने बनाई हैं। और ये आपकी पहली एग्जीबिशन है दिल्ली में? मेरी पहली एग्जीबिशन है। अभी आप 2020 तो शुरू ही हुआ है तो अब कहाँ जाएंगे, कहाँ पे प्लानिंग है आप लोग का जाने का? अब यही फ्रीलांसर मेरा तो चल रहा है, फ्रीलांसर ही करेंगे और देखते हैं कहाँ क्या होता है। आप अपने किसी को गुरु मानते हैं? जी मेरी तो एक ही गुरु है जहाँ हमने पढ़ा हुआ है। नाम बता सकते हैं आप? मिज अमृता कुल श्रेष्ठ करें। अच्छा जी, वो बनारस से है? नहीं वो अभी तो रिटायर हो गई, दिल्ली में ही रहती है, इनॉग्रेशन के दिन वो भी आई हुई। अच्छा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। यस, तो वो मेरे लिए हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य, उनका आशीर्वाद मिला, बहुत अच्छा लगा। और वही हमारी पहली गुरु आखिरी गुरु वही है, जो कुछ भी सीखा है वहीं से सीखा है और कहीं कुछ नहीं सीखा। नहीं आई थिंक जब वो सुन रही होंगी, जब वो वीडियो आप उनको भेजेंगे तो उनको अच्छा लगेगा और वो आपको काफी आशीर्वाद देंगी और हमारा भी आप लोग के साथ हरदम वी आर विद यू और चाहेंगे कि आप लोग इसमें। मेरे लिए वो मतलब सब कुछ है, सब कुछ है मेरे लिए, वही मतलब जो कुछ भी है वही है और कोई गुरु ऐसा नहीं है। नहीं धन्यवाद। हम लोग गांव में रहे हमेशा, तो ये पेंटिंग्स जो है और थोड़ा बुरा मेरे लिए फेवरेट है, मेडिटेशन करता हूँ तो थोड़ा ये है कि उसी से रिलेटेड गांव में जो चीजें चलती हैं उसी से रिलेटेड मैं कुछ अपने हिसाब से मुझे जो अच्छा लगता है, जो अट्रैक्टिव लगता है मुझे, जो मतलब देखने में कुछ फील होता है, तो बस मैं कैनवास उतारने की कोशिश करता हूँ। हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं आशुतोष जो उनका कार्ड है, मैंने अभी गौर किया उसमें लिखा है आर्टिस्ट कार्पेट एंड टेक्सटाइल डिजाइनर। जी तो ये थोड़ा सा कुछ बताएंगे कार्पेट डिजाइनिंग और टेक्सटाइल में मैंने 6 महीने का वो एक कोर्स किया हुआ। वीविंग होता है उसमें? यस, सर्टिफिकेट कोर्स होता है, वीविंग नहीं, उसमें डिजाइन को बनाना कंप्यूटर और ये कोर्स उन्होंने हमारे यहाँ भदोही है, वहाँ पे IIT भदोही तो एक फेमस जगह है, कार्पेट का फेमस जगह है, वहाँ पे कार्पेट की ढेर सारी फैक्ट्रीज है और वहाँ से हमने मतलब कोर्स किया 6 महीने का, डिप्लोमा कोर्स है ये। और अभी तो मैं टेक्सटाइल नहीं करता और कार्पेट भी नहीं करता, केवल आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे। हाँ आप लोगों का डिजाइन ऐसा कुछ होगा तो जरूर। धन्यवाद। बड़ा अच्छा हम लोग गए थे अजंता एलोरा औरंगाबाद के अंदर में, पेंटिंग्स भी ओरिजिनल।